जाटल रोड फ्लाईओवर का पानी सीवर में न जाकर आसपास की बिल्डिंगों की नींवों में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है और फ्लाईओवर पर लगी लाइट्स भी पिछले 1.5 महीने से खराब है। समस्या को लेकर हरजिंदर सिंह दिलावरी आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि पुल के दोनों ओर अलग अलग वार्ड के निगम पार्षद हैं। दोनों निगम पार्षदों को समस्या बताई गई है परंतु समाधान आज तक नहीं हुआ। कहाँ की लाइट खराब है? जाट और फ्लाईओवर की तकरीबन 1.5-2 महीने से लाइटें खराब है। यहाँ पे दोनों MCO को हम बोल चुके हैं कि आप इनको ठीक कराइए, नहीं करा रहे। वो हमें तार कटी हुई दोनों है। MCO कौन कौन थे? सुनील वर्मा और लोकेश नागरू। अच्छा। दोनों बोल चुके हैं, दोनों में से किसी के पास टाइम नहीं है इसको ठीक करवाने का। और कहते हैं तो कहते हैं जी वो अभी झगड़ा चल रहा है इनका कि किसके हक में है। जब तक वहाँ पे कोई आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि लाइट तार जो है टूट के सड़क में गिरी हुई है और पानी भी सड़क का पुल का पानी सड़क के अंदर नीचे मर रहा है, जिससे कि हमारी बेसमेंट में पानी भर गया है। तो हमारी प्रार्थना है कि भाई इसको लाइट को ठीक कराया जाए और उस रोड पानी की निकासी का साथ बनाया जाए। लाइट कब से बंद पड़ी है पुल की? 1.5 से 2 महीने हो गए। तो आपने किसी अधिकारी से मिले इस बारे में? अधिकारी MCO को बोला है, अधिकारियों को तो नहीं मिले हम, MCO बोला है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हरजिंदर सिंह दिलावरी।